हेलो बच्चों, हो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस साइड मोहितम सीनियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर। बहुत बड़े बच्चों के मन में जो वो डाउट चल रहा है कि क्या हम जो सीबीएसई होता है वो बोर्ड एग्जाम जो हम एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो क्या सीबीएसई जो है वो सारे बच्चों को पास कर देता है, क्या कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे वो टेंशन लेके बैठे हैं, स्ट्रेस लेके बैठे हैं, तो जिनका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो जो आपके आने वाले एग्जाम के ऊपर पड़ सकता है। देखो बच्चों, मैं आपसे आप यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई है सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज के रिलेटेड आपको इस चीज की क्लैरिफिकेशन जो देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सीधा सीधा इंपैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। आप पैनिक में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो मैं नहीं चाहता आप किसी भी तरह के पैनिक में रहो, स्ट्रेस में रहो। तो मैं आपको यहाँ पे इस चीज वीडियो के अंदर एक छोटी सी चीज क्लियर करने वाला हूँ। देखो बच्चों, क्या एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम कोविड 2019 की बात करें, जब हमारा कोविड आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई के अंदर थे उनके तो एग्जाम हुए नहीं थे, जैसे कि आपको पता है। सीधा सीधा उनको जो पास करके उनको जो मार्कशीट है वो दे दी गई थी। लेकिन आफ्टर दैट कोविड के बाद जो हमारे पास सेशन हुए थे, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, कुछ टर्म वन टर्म टू वाला एक सेशन भी आया था हमारे पास, तो उसके टाइम पे जो हमारे पास सेशन हुए थे उनका जो रिजल्ट एक्चुअल में आया था, तो उस टाइम पे जो सीबीएसई का रिजल्ट था वो एक्चुअल में बहुत थोड़ा सा खराब रहा था, किसके मुकाबले आईसीएसई। देखो बच्चों, हमेशा एक्चुअल में होता है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, हमेशा सीबीएसई और आईसीएसई में क्या चलता रहता है, कंपटीशन चलता है। इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। ये कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है, सीबीएसई कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि कोविड के बाद आईसीएसई वाले बच्चों का जो रिजल्ट था वो 98% आया था, और जो सीबीएसई वाले बच्चों का रिजल्ट था उनका 10th वालों का 95% आया था, और 12th वालों का समथिंग 90 या 91% समथिंग इतना आया था। यानी कि इनके मुकाबले में इनका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा खराब आया था, यानी कि कह सकते हो आप काफी ज्यादा बच्चे फेल हुए थे 3-4% के अंदर। बहुत लाखों में बच्चे चले जाते हैं, हजारों में बच्चे जो है वो चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से सीबीएसई के जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफी सीबीएसई के जो कंट्रोलर्स होते हैं, इन्वेटर्स होते हैं, उनसे शिकायत की थी कि हमारा रिजल्ट जो इतना ज्यादा खराब क्यों आया है, इसका रीजन बताइए। तो जिसकी वजह से सीबीएसई ने इस चीज को बात को माना था कि हाँ, हमसे कोई गलती हुई है, हमारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो खराब आया। सीबीएसई ये तो कभी भी नहीं चाहता कि हमारा जो रिजल्ट है वो आईसीएसई से जो खराब आए, हमेशा सीबीएसई यही चाहता कि हम आईसीएसई से जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा आगे रहे, हम उनसे आगे रहे, उनसे हमारा जो ऑलवेज जो बेटर है रिजल्ट वो आए। लेकिन उस सेशन के बाद बात करें, तो पिछले सेशन की ही बात कर ले, तो पिछले सेशन देखो बच्चा, सीबीएसई का रिजल्ट मोर देन 95% रहा था, आई थिंक 97 समथिंग पॉइंट था एक बच्चे का, और एक का था 98 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 98% रिजल्ट आया था पिछले साल सीबीएसई वाले बच्चों का। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट एक्चुअल में पड़ता क्या है, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट यही है बच्चों की, 10th वाले बच्चे जो है वो तो आराम से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर हमारे तो 15-20 नंबर ही आने हैं, लेकिन सीधे जो प्लस टू वाले बच्चे वो सोच रहे हैं सर हमें तो 23 नंबर लाने पड़ेंगे तब जाके हम पास होंगे। तो देखो बच्चों, जो 10th की कॉपी चेकिंग होती है वो अलग टाइप से होती है, जो 12th की कॉपी चेकिंग होती है वो अलग टाइप से होती है, ठीक है। 12th की जो कॉपी है वो थोड़ी सी ज्यादा लीनियंट चेक होती है एज कम्पेयर टू 10th, अगर आपका थोड़ा पासिंग क्राइटेरिया डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा लीनियंट होती है एज कम्पेयर टू 10th के। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है, ऐसा नहीं कि अब सीबीएसई को जो बच्चों का मेजर डाउट है कि क्या सीबीएसई सबको फेल करता है, क्या सीबीएसई हमें पास कर देगा। देखो बच्चों, सीबीएसई की मैक्सिमम यही कोशिश रहती है कि वो हर स्टूडेंट को पास करे, जैसे कि मैंने आपको बताया उसका यही हमेशा रहता है कि हमें अपने आईसीएसई को क्या करना है, नीचे रखना है, और खुद के रिजल्ट को क्या करना है, बेटर दिखाना है बाकी सारे बोर्ड्स के मुकाबले में। तो इसलिए आईसीएसई हो चाहे कोई अदर बोर्ड्स का स्टूडेंट भी हो, लेकिन सीबीएसई इस चीज को कोई मैटर नहीं करती, सीबीएसई को सिर्फ यह है कि जितने भी सारे के सारे बोर्ड्स हैं उससे अपने रिजल्ट को बेटर करना है। अब सीबीएसई का किसी को फेल नहीं करता है, करता है भाई करता है, सीबीएसई जरूर फेल करता है। देखो 95, 98, 97 रिजल्ट जिन बच्चों का, उसके बाद 2-3% बच्चे जो फेल होते होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स कौन से फेल होते हैं, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बच्चा अगर आप एबसेंट हो तो आप फेल कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे। दूसरा वो बच्चे आ जाते हैं जो बिल्कुल भी कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आते हैं, कॉपी ब्लैंक, ठीक है। तो कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर आपने अपनी कॉपी को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो, कॉपी को ब्लैंक तो आपने कुछ भी कभी भी किसी भी को किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी हालत के अंदर नहीं छोड़ के आना है, चाहे आप गलत ही लिखा हो, कुछ उसके रिलेटेड ही लिखा हो, लेकिन कॉपी ब्लैंक को कभी भी नहीं रखना है। तो जिन बच्चों की कॉपी ब्लैंक अगर आप छोड़ के आए हो तो आपके लिए खतरे की घंटी जो है वो बन सकती है। पिछले साल भी मैंने इस चीज की वार्निंग दी थी, काफी सारे बच्चों को वार्निंग दी थी, तो आप चाहते तो देख सकते हो, पिछले साल भी मैंने इस चीज के ऊपर स्पेशली वीडियोस बना के भी बताया था
कि जिन बच्चों की कॉपी ब्लैंक थी उनको खतरे की घंटी का एहसास होने वाला है। तो आपने अभी बचे हुए जितने भी आपके एग्जाम्स है, चाहे आप क्लास 10th वाले बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th वाले बच्चे हो, अपनी कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अपने मन से आंसर बना के आ जाओ, अपने कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर बना के आ जाओ। अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन के रिलेटेड कैसे आंसर बनाना, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपको आंसर नहीं पता, टोटली अगर आपको आंसर नहीं पता है कि आंसर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी जिसकी वजह से बोर्ड्स के जो इन्विलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि हमने उनसे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उनसे बात की हुई है कि अगर वो कॉपी चेकिंग जो करते हैं उनसे बात की गई है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर अपने मन से लिख के आता है तो आप किन किन चीज़ों को, पॉइंट्स को नोटिस करते हो। तो उस चीज़ वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, उनसे डिस्कस करने के बाद ही वो वीडियो को मैंने बताया था कि अगर आपको आंसर आधा आता है तो आधा आंसर आप खुद से कैसे बना सकते हो कि टीचर आपको नंबर देने में मजबूर हो जाए, या फिर अगर आपको पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता तो आपको ब्लैंक छोड़ने से अच्छा आप उस टेक्निक से आंसर लिखोगे तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने उनसे डिस्कस करने के बाद ही वो वीडियो बनाई थी। तो ये दो कंडीशंस के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि एक तो अगर आपने एब्सेंट नहीं होना, दूसरा आपने कॉपी तो ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और तीसरी जो चीज होती है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा फेल होता है, जंबल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को आदत होती है कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए का कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया, उसके बाद सेक्शन बी के दो क्वेश्चन कर दिए, दो तीन, ठीक है, फिर सेक्शन ए का कर दिया। तो ऐसे टीचर जो है फ्रस्ट्रेट होता है, तो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो टीचर ज्यादा से ज्यादा आपकी गलतियां निकालता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत एक दो नंबर से चूक भी रहे तो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, किन किन बच्चों को मिलते हैं और किस किस कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, वो सेपरेट वीडियो एक मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आने वाले एग्जाम्स के ऊपर आपका इम्पैक्ट ना पड़े, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जस्ट आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़नी है और अपने मन से आंसर बनाना है तो उसकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक सीख लो तो जितने मर्जी अपने आंसर जो है वो बना सकते हो, लेकिन इतने भी ज्यादा मत बना दो कि आप पढ़ के ही मत जाओ, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। और इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीबीएसई कभी भी अपना रिजल्ट को खराब नहीं होने देता है, हमेशा 95% से ज्यादा बच्चे जो हमेशा सीबीएसई के अंदर क्लैरिफाई होते हैं, क्लियर होते हैं। तो इसलिए आपको अभी पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं, आने वाले जितने बचे हुए एग्जाम्स हैं उनके ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, उनकी अच्छे से स्टडी करो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बोर्ड एग्जाम की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, ग्रेस मार्क्स वाली वीडियो भी जल्दी आपका भाई आप तक पहुंचा देगा।